घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, मजेदार उदाहरण। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने देखा कि किस तरह घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित कुछ और मजेदार उदाहरणों को देखेंगे। मानस, तुम इस तिरपाल के साथ क्या कर रहे हो? मुझे तिरपाल की सहायता से एक घनाकार ढांचा बनाना है, जिसमें सामने और आधार की सतहें नहीं होंगी। ये मेरे कुत्ते के लिए घर का काम करेगा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसके लिए मुझे कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। इसका उत्तर तो हमें गणित के द्वारा मिल सकता है। इसका मतलब ये गणित का समय है। अच्छा मानस, ये बताओ कि तुम्हारे घनाकार ढांचे की भुजाओं का नाप कितना होगा? लगभग 32 इंच। ये मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा ना के बराबर होगा, तुम्हारे घनाकार ढांचे में इस्तेमाल होने वाला तिरपाल को घनाकार ढांचे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया में से सामने और आधार की सतहों के क्षेत्रफलों को घटाकर ज्ञात किया जा सकता है। अच्छा, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6 गुणा घन के भुजाओं के नाप का वर्ग। चलो मैं जल्दी से इस सूत्र में अपने घनाकार ढांचे की भुजाओं के नाप 32 इंच डालकर उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं। देखो मानस, इस तरह से हल करने पर हम देख सकते हैं कि तुम्हारे घनाकार ढांचे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6144 वर्ग इंच है। अब बस हमें इसमें से सामने और आधार की सतहों के क्षेत्रफलों को घटाना होगा और फिर हमें तुम्हारे तिरपाल का नाप मिल जाएगा। सामने और आधार की सतहें दोनों सर्वांग सम वर्ग हैं, इसलिए उनके क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के नाप के वर्ग होंगे। इस तरह दोनों सतहों के क्षेत्रफलों का योग होगा 2 गुणा भुजाओं के नाप का वर्ग। ढांचे की भुजाओं का नाप 32 इंच है। चलो मैं इसे यहाँ लिखकर जल्दी से हल कर लूं। देखो पुरुष, हमें तिरपाल का नाप 4096 वर्ग इंच मिल गया। हाँ मानस, देखा तुमने, ये कितना आसान है। चलो चलो, अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चले, हमें तुम्हारे कुत्ते के घर का ढांचा भी तो बनाना है। दोनों दोस्तों ने मिलकर तिरपाल से मानस के कुत्ते के घर का घनाकार ढांचा बना लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड पर आधारित एक और मजेदार उदाहरण को देखा। तो उम्मीद है कि अब आपको घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड की अच्छी समझ हो गई होगी।